So, is, आज था थर्सडे साल का मंथ का निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था आज के दिन पे मार्केट गैप अप खुला सबसे पहले अगर आपको याद होगा कल हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया था गैप अप खुलता है अनचार्टेड टेरिटरी कितना भी ऊपर जा सकता है साइडवेज हो सकता है नीचे आ सकता है किसी को नहीं पता इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ही एक्शन लेना नहीं तो नहीं लेना ये बहुत ही सिंपल सी चीज हमने डिस्कस की थी अब निफ्टी भी गैपअप खुला बैंक निफ्टी भी गैपअप खुला कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को मिला नहीं ऊपर से इशू क्या था कि हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी के मॉर्निंग में निफ्टी पर ज्यादा फोकस नहीं था मेरा बैंक निफ्टी पर आज के दिन में फोकस तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम जो थे एट द मनी वाले स्टेडल्स उठा के देखो फोर्टी एट फाइव हंड्रेड फोर्टी एट सिक्स हंड्रेड तो वो ज्यादा स्पाइकड थे स्पाइक डब है मोमेंटम स्लो होगा तो ऑप्शन बायर तो पैसा कमाने नहीं वाला आज के दिन पर

ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू सब्सक्राइब टू वीपी फाइनेंशियल स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर तो निफ्टी पे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर बनते हुए दिख रही है तो वो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अब देखो पंद्रह मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं आपको मैं यहाँ पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको उससे समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर ना तीन चीजों के ऊपर मतलब तीन फेजेस के ऊपर हम बात करेंगे ठीक है ये हो गया हमारा ये पूरा ऐसा दिस इज फेज वन दिस इज फेज टू एंड दिस इज फेज थ्री ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर कमेंट करके बताओ कि वन टू थ्री तीनों में डिफरेंस क्या है क्या वो समझ चुके हो चीज़ें या नहीं समझ चुके हो अगर नहीं तो अभी आगे देखिएगा अगर समझ चुके हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख के बताइए तो मुझे भी आइडिया है कि आप ऑलरेडी रीड समझ सकते हो चीज़ें को और पुराने फॉलोअर हो कि अभी नए नए आए हो अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना डेडस तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा ठीक है ब्रेकडाउन हुआ हल्का रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर की तरफ सिंपल अगर मैं बात करूँ यहाँ इस ट्रेंड लाइन की यहां ब्रेकडाउन हुआ थोड़ा सा इससे ज्यादा अपने को सेलिंग दिखा एग्रेसिवली और मार्केट पर ऊपर अब अगर हम लोग इस फेज को देखते हैं ना रेडर्स यहां ये यह ऐसा वाला फेज तो ये अगर लेट से आप बोल सकते हो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं अगर लेट से ये आईफोन फिफ्टीन है तो ये 15 प्लस है और ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये प्रो मैक्स हो गया ये अपना तो यहाँ पर अगर अपने को ब्रेकडाउन मिलता है ना तो ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पर एक्शन दिखा सकता है एज पर हिस्ट्री ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा बट जो रिसेंट टाइम पे मार्केट ने जैसे बिहेव किया है मैं उसको देखते हुए ये कमेंट कर रहा हूँ कि इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो यहां पर रिट्रेसमेंट छोटी सी थी यहां पर थोड़ी और बनी और क्यों बनी क्योंकि थोड़ा सा इस एंगल से ये वाला एंगल, एंगल एग्रेसिव है अब इस एंगल से ये वाला एंगल अल्ट्रा एग्रेसिव है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर रखा हुआ है साथ में यहां पर दूसरी पॉइंट यहां पर क्या आती है ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर हो गया है बस सेलिंग करना है सेलिंग करना है नहीं मैं कुछ लॉजिकल चीजें यहां पर आपके सामने रख रहा हूं देन इट्स अप टू यू आपको कैसे डिसाइड करना है क्या करना है ओके अब अगर मैं यहां पर ये जो हमने कल के दिन पे एंगल बनाया था ऐसा ये हम लोगों ने कुछ ऐसा एंगल बनाया हुआ था राइट इसको थोड़ा सा मैं और प्रॉपरली बना देता हूं ऐसा वाला

तीसरी पॉइंट अगर मैं यहां पर आता हूँ और आपका इस लेवल्स पे कि मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि भैया ये जो हम लोगों का रीसेंट स्विंग बना है निफ्टी का वो मैं अगर ड्रॉ करता हूं मतलब मैंने क्या किया ये रीसेंट स्विंग को मार्क करते हुए ऐसा अब कैलकुलेट करके देखता हूं कि नेक्स्ट स्विंग कितनी बड़ी बनेगी तो उसमें दो टारगेट्स निकलते हैं अगर आपने पुराने वीडियो देखें तो आप ऑलरेडी पता है सेवन वाला और वन वाला अब यहां पर निफ्टी ने क्या किया सेवन एट सिक्स को यहां पर उसने हिट कर दिया तो ये हो गया तीसरी चीज जिसका हमको लग रहा है ऐसा कि मार्केट यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वो रिवर्स कर सकता है चौथी चीज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं देखो मैं आपका माइंडसेट पूरा नेगेटिव नहीं करने वाला हूं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो तो चीजें यहां पर दिख रही है एक दो तीन चार लगातार पांचवा दिन है गैप अप के साथ ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है या तो मार्केट फिर साइडवेज रुकेगा या थोड़ा बहुत तो यहां पर अपने को नीचे डिच करते हुए मार्केट दिखा सकता है ये भी बहुत ज्यादा अनहेल्दी वाली बात यहां पर होती जा रही है उसके बाद पांचवी चीज यहां पर मैं यहाँ आप पर आपको बता देता हूं पंद्रह मिनट के रिसेंट डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंगल जो इसने बनाया है ये अगेन कोई बुल एंगल नहीं है दिस इज अगेन अ बेयर एंगल ये बुलिश एंगल बिल्कुल नहीं है हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर इस लेवल्स पे हम रिटेलर्स थक गए हैं सेल कर कर करके डर गए हैं अभी तो फिर चांस है कि हाँ बहुत सच में मार्केट अब नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकता है अब मेरा प्लान कल का क्या है ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया अब मेरा प्लान पर्सनली यहाँ पर क्या है वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ तो देखो ये जो है ना ये ये छोटा सा एंगल है ये फेक भी हो सकता है तो मैं जो है एक्शन लूंगा इस ब्रेकडाउन के बाद जब यहां ब्रेकडाउन आ जाएगा ठीक है ये ब्रेकडाउन हुआ गैप डाउन से ब्रेकडाउन हो सकता है और उसके बाद ये लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो एक सेलिंग वाला यहां पर अपने को मोमेंटम दिख सकता है इसका लेवल निकल के आता है ट्वेंटी इसके नीचे निकलता है तो इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है दिस इज द सपोर्ट लेवल दैट इज 21,600 उसके बाद बड़ा सपोर्ट लेवल बैठता है 21,510 सिंपल अब लेट से कल अगर गैप अप खुल जाता है निफ्टी तो उस केस में क्या करना है तो देखो अगेन थोड़ा सा ट्रेंड लाइन एक्सचेंड कर दो ये लेवल जो टू सिक्स एटी वाला है फिर वो सिक्स नाइन्टी सेवन हंड्रेड सेवन वन जीरो के आसपास बैठेगा तो आपको एक एक्शन देखने को मिल सकता है बट कोशिश करके अगर गैप अप अच्छा खासा खुलता है तो अगर डिप लगता है तो ये फॉल्स होने का हाई चांस हो जाता है क्यों उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ लेट से कल मार्केट आज का क्लोजिंग कितने पे हुआ है ट्वेंटी पे क्लोजिंग बता रहा है लेट्स से कल मार्केट खुल गया ट्वेंटी पर ऐसा रेड कैंडल बना अब मार्केट से से ऊपर अस्सी पॉइंट नीचे आ चुका अस्सी पॉइंट नीचे आया तो एक रिट्रेसमेंट जो एक बंप आएगा ना ये ये पचास से साठ पॉइंट का आ जाएगा जिसमें बहुत लोगों के सौंप लो जाने वाले तो इसलिए मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है गैप अप खुलने के बाद तो ये ब्रेकडाउन फेल होने का चांस है ये एक्शन से तब जा सकता है तब एक्टिवेट हो सकता है जब फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है तो यहां पर ब्रेक डाउन विल बी मैं एक अच्छा मोमेंट हम अपने को मार्केट यहां पर दिखा सकता है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एक चीज और बोलना चाहूंगा मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा मुझे कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं बनना है कि आपके इधर से ऐसा हो वैसा होता नहीं जो मुझे दिख रहा है मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूं सिंपल बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर निफ्टी का क्लियर होगा कि सेलिंग साइड का व्यू है नीचे का ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर प्लान कुछ कर सकते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है अपने को पर कैसे समझना है बैंक निफ्टी पर तो बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना इसका रीसेंट लेट से मैं क्या करूंगा यहां पर ये रीसेंट वाला बॉटम टू टॉप और इसको फिर मैं नीचे लेके आऊंगा ध्यान रखना मैंने निफ्टी में ऑलमोस्ट यहां से लिया बैंक निफ्टी में यहां से ले रहा हूँ क्यों क्योंकि इसका स्विंग्स प्रॉपर है निफ्टी में स्विंग्स छोटे छोटे थे तो इसलिए मुझे एक स्टेप नीचे जाना पड़ा बैंक निफ्टी की अगर बात करें अब लेट से अगर मैं इसका एक प्रोजेक्शन वाला टारगेट निकाल के देखता हूं तो इसका प्रोजेक्शन वाला टारगेट बैठा है फोर्टी और दूसरा इसका बैठता है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन्टी लेवल्स के आसपास ठीक है ये फर्स्ट ये फर्स्ट और ये सेकंड टारगेट्स के हिसाब से यहाँ पर बैठ रहा अब अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जैक्टली exactly मार्केट कर क्या रहा है कैसे अपने को यहाँ पर समझना है तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं एक अगर लेट से मैं ये बॉटम से लेके ये टॉप तक फिवाना चु ड्रॉ करता हूँ तो ट्वेंटी का एडजस्टमेंट कर रहा है और लेट्स से अगर मैं इसका एंगल देखता हूँ ब्रेकआउट वाला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कल फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये ब्रेकआउट देता है फोर्टी एट सिक्स हंड्रेड के ऊपर निकलता है तो जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्टेड टारगेट बनाया था जो कि था फोर्टी एट नाइन थर्टी और फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन्टी वो मार्केट शायद दिखा सकता है अनचार्टेड टेरिटरी है प्रोजेक्शन होता है उसका कोई सड़पाव नहीं है शायद हाँ शायद ना पता नहीं ये अगर आपको मूड हो रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप प्लान कर सकते हो दो रीजंस हो जाएंगे इसमें एक 23.6 परसेंट का सपोर्ट लिया है इसने रीजन स्विंग के हिसाब से दूसरा यहाँ पर रिजेक्शन रिजेक्शन और ये आ गया ब्रेकआउट तो 48600 के ऊपर वो ब्रेकआउट ट्रिगर कर सकता है अब आते हैं इसके ऑपोजिट साइड वाला जो बात है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेलिंग यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर कैसा है ना अगर इसको आप थोड़ा सा नीट एंड डाइडी में आपको बना के दिखाऊं तो ये वाला लेवल यहाँ ठीक है ये अपर लेवल हो गया और ये लोवर लेवल हो गया अब कैसा है कि इस लेवल्स के आसपास अगर मार्केट ऐसा आता है कल फ्लैट या डाउन खुल के और ये ये लेवल को अगर ब्रेक करता है दैट इज़ फोर्टी वाला लेवल इसको ब्रेक कर देना तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जो इसका ये वाला सपोर्ट लेवल है 48,180 वाला लेवल दिखा सकता है अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ आप पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी देखो मैं कंफ्यूजन नहीं बढ़ा रहा हूँ आपको मैं सब हर तरीके से जो मैं चीज़ों को देखता हूँ समझता हूँ वो मैं आपके साथ सब शेयर करता हूँ अब आप उसको थोड़ा पॉजिटिवली ले लेना अब देखो कैसा है ना डियर यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना इस लेवल्स के ऊपर देखते हैं ना यहाँ पर सिर्फ उसने एक टच लिया है न, ठीक है यहां पर उसने जोन तो हमने सपोर्ट की तरह मार्क किया मुझे पता है बहुत यूट्यूबर्स इसको मार्क करने वाले हैं बट अगर आप इसको टेक्निकली देखोगे ना इसने सिर्फ एक सपोर्ट यहां से लिया है और उसके पहले पहले कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ तो मतलब नीचे के सपोर्ट टेस्टिंग बहुत बार नहीं हुआ कल का फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और इस लेवल्स पर आता है ना तो लोग टूट पड़ेंगे इसको सेल करने के लिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साइडवेज होने के बाद ट्रैप करने के बाद फिर ऊपर जा सकता है एक कहीं कही ना कहीं इस लेवल्स पर रिजेक्शन दिखा सकता है फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना मेंटली इसको आप टैकल कैसे कर सकते हो अगर लेट से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फोकस ऑन निफ्टी क्यों उसमें क्लैरिटी ज्यादा है उसमें आपके पास कंफर्मेशन ज्यादा है कि हाँ मार्केट यहां से नीचे जा सकता है क्योंकि उसका ट्रेंडलाइन ब्रेक हो रहा है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएगा और आपको अपने टारगेट्स तक वेट करने का यहाँ पर कोशिश दे सकता है यहाँ पर कैसा है थोड़ा बहुत रैंडमनेस है कि हाँ चलो ये सपोर्ट लेवल है ब्रेक कर दिया अब यहाँ से नीचे जाएगा अभी सपोर्ट लेवल इसका बनता है थोड़ा सा रैंडमनेस है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये सपोर्ट लेवल है दट इज फोर्टी इसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आके बैठता है फोर्टी उसके बाद वाला सपोर्ट लेवल आके बैठता है हमारा डायरेक्टली थोड़ा बहुत नीचे है आई थिंक दैट इज फोर्टी 880 वाला लेवल ये ठीक है सपोर्ट इसका यहाँ है 48,180 और नीचे वाला सपोर्ट लेवल आके बैठता है 47,880 लेवल्स के आसपास यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों का रिजेक्शन लेवल आके बैठता है फोर्टी और उसके बाद फिर फोर्टी वाला लेवल यहाँ पर अपने को मार्केट दिखा सकता है कल का प्लान समझ चुके हो आप अगर आप न्यू हो मार्केट में तो ट्राई करना अवॉइड करने के लिए और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए हमारा एब्सोल्युटली फ्री है जैसे ही मैं सेशन से फ्री हुआ आज कुछ ट्रेडिंग तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मार्केट ही गैपअप खुला तो कुछ मौका मिला नहीं ऑप्शन प्रीमियम वगैरह जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लिप में बताया था कि वो महंगे थे तो कुछ बना ही नहीं कुछ सिस्टम ही नहीं खड़ा हुआ वहां पर तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आते ही कमेंट कर दिया कि बस कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है गैप अप खुला हुआ है मार्केट और नीचे में पुट्स बायर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं तो ज़्यादा मोमेंटम मार्केट करेगा नहीं जब तक सर्टन लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक आपको एक्शन यहाँ पर लेना नहीं तो कल भी वही चीज़ एप्लीकेबल होगा लगभग पाँच दिन से लगातार मार्केट ऐसा जा रहा है अब हॉल्ट अगर होता है तो ऐसा हॉल्ट नहीं होगा कि नीचे की तरफ आता है सीधा ऐसा सेल ऑफ नहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है एक दो दिन उसके बाद फिर मार्केट लगता है कि नए साल में एक ट्रेंडिंग मूड यहाँ पर लाने के लिए प्लान कर रहा है सो फार जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो ट्रैपिंग फुल लॉन चालू है अभी आपको अपना कैपिटल यहाँ पर बचाना है सिस्टमेटिक वे में छोटी क्वांटिटी में सेलिंग करना है मुझे पता है आप हर कोई एक्साइटेड है कि इतना ऊपर खींच गया इतना ऊपर खींच गया अब अच्छा डिप लगेगा छोटी क्वांटिटी से करो इसमें आप ये प्लान कर सकते हो स्टॉप लॉस छोटा रखो टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं रखो और छोटी क्वांटिटी से काम करो एटलीस्ट ये ईयर एंड में आपके जेब से बड़ा पैसा यहाँ पर नहीं जाना चाहिए इसका आपका अल्टीमेटली प्लान होना चाहिए वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा कल आपने बहुत अच्छे लाइक्स दिए मोटिवेशन फील हुआ वैसे ही कंटिन्यू रखो मुझे भी मज़ा आता है देखने में और चीज़ें आपके साथ क्लियरली शेयर करने में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ने नेक्स्ट वीडियो